मुख्यमंत्री इस चुनौती से बचते हुए नजर आए। एक बार भी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर इस चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया कि आपको रोजगार देंगे, और फिर उनकी बात गलत साबित हुई, वो अपनी बात से पलट गए। मुख्यमंत्री जी ने 21 फरवरी 2024 को हरियाणा की विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ये कहा कि 29 फरवरी तक 29,000 भर्तियों के रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे, लेकिन 29 फरवरी भी चली गई, उसके बाद 4 और 2, 2-4 दिन, 6 दिन भी चले गए, लेकिन आज तक भी किसी भर्ती का कोई अता पता नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जुबान की कोई कीमत नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 6 जनवरी 2023 को ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि साल 2023 में ग्रुप सी की 50,000 भर्तियां हम करेंगे। ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ने ये कहा था। मैंने चुनौती दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कि 50,000 छोड़िए, अगर साल 2023 में की गई 1,000 भर्तियों की लिस्ट भी वो जारी कर देंगे तो हम मान लेंगे कि वो बहुत रोजगार दे रहे हैं, हम माफी मांग लेंगे। मुख्यमंत्री इस चुनौती से बचते हुए नजर आए। एक बार भी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर इस चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया, और मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए भी इस सवाल से हमेशा मुंह छिपाते रहे, तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री ने कोई जुबान दी, कोई तारीख दी, कोई समय दिया युवाओं को कि आपको रोजगार देंगे, और फिर उनकी बात गलत साबित हुई, वो अपनी बात से पलट गए। 41,000 भर्तियों के मामले को लेकर के हाईकोर्ट में कल सुनवाई थी। अगर सरकार चाहती तो हाईकोर्ट में कल ही ये मामला सुलझा करके 41,000 भर्तियों का रास्ता साफ कर सकती थी, लेकिन सरकार ने बहाना बना करके अगली तारीख ले ली। इससे पता चलता है कि सरकार की युवाओं को रोजगार देने की दरअसल नीयत नहीं है।